वैसे तो मैं बड़ा उदास रहा करता था। वैसे तो मैं बड़ा उदास रहा करता था। जब से मैंने इंग्लिश सीखी, तब से मैं सैडी हो गया। इंतहा हो गई इंतजार की, ना खबर ना रही। तुमने जो कहा था मैं आइडिया तुम्हें बताऊंगी, अभी तक नहीं बताया। यार आप लोगों के साथ ऐसा होता है कि आप लोग व्लॉग एडिट करने बैठते हो और आपको समझ नहीं आता कि इसमें करना क्या है। शूट कर लिया, मतलब एक नॉर्मल तो करते ही रहते हैं, थोड़ा यूनिक चाहिए। तो मैंने एक अपनी कज़न को मैसेज किया था कि मुझे कुछ आइडिया दे दो। कल रात को बोला था, मगर अभी तक उसका कोई तकरीबन, कल रात भी मैंने 11-12 बजे बात की थी, अभी रात के 2:11 बज रहे हैं। फिर आप लोग कहते हैं व्लॉग नहीं आता, व्लॉग नहीं आता। क्या करें, ऐसे हमारे कज़न से। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते जनाब, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप ठीक ठाक फिट होंगे। मेरा नाम मोहन कुमार जसवानी, मेरा व्लॉग देखने के लिए मैं कहता हूँ। सोच लो तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं इतना अरसा गायब कहाँ हो गया। मैं बिल्कुल मतलब अंडरग्राउंड ही हो गया। अंडरग्राउंड इसलिए हो चुका क्योंकि बहुत सारे ज़िंदगी में हमेशा अप एंड डाउन तो आते रहते हैं। तो करंटली सिचुएशन ये है कि मैं जा रहा हूँ हैदराबाद। आप बोलेंगे कोई हैदराबाद जाना कोई बड़ी बात तो नहीं, जाते रहते हो डेली। बिल्कुल सही बात है, मगर आज वैसे जाते रहते हैं, मगर आज कोई मतलब स्पेशल दिन है, इसलिए हम जा रहे हैं। स्पेशल दिन की आपको पहले आवाज़ सुनाता हूँ। जैसे कि इस बच्चे ने कहा कि आई एम हियर, हमारे एक फैमिली में नया मेंबर आया है। अगर कहानी स्टार्ट करनी है तो कहानी बिल्कुल स्टार्ट से स्टार्ट करेंगे। 9:10 पे फिक्स मेरे कज़न ने एक लोकेशन पिंग की। उसके तकरीबन 10-20 मिनट बाद एक मैसेज आया, बेबी बॉय। मतलब वो तो उसकी फीलिंग ही अलग थी। फीलिंग भी अलग क्यों ना होती, क्योंकि भाई घर में एक नया मेहमान आ रहा था। तो आइए, तो हम लोगों ने सोचा आपको भी ले चलते हैं साथ साथ। मैंने कहा मैं ड्राइविंग कर रहा हूँ तो मेरा मूड होगा कि व्लॉग बना दिया जाए, तो चलें। तो जनाब अगर आप लोग सफ़र पे जा रहे हैं, अगर आपको भूख लग रही है ज़ोरदार, तो आप रास्ते में बर्गर केएफसी शेफी हर चीज़ खा सकते हैं। हमें तो भूख लगी थी, हमने ज़रा ज़र जिंगर बर्गर खाएंगे, ब्रोस खाएंगे, फ्राइज खाएंगे, क्योंकि मंजिल सामने है मगर भूख लगी है। तो ख़वातीन हज़रात, अगर आप लोग कहीं सफ़र पे जा रहे हैं तो चाय पी सकते हैं, ज़रूरी नहीं है, मगर चाय पियेंगे तो मज़ा आ जाएगा। तो जैसे कि हम लोग अभी हॉस्पिटल पहुंच चुके हैं, तो अभी हम अंदर जाएंगे, मगर अंदर जाने से पहले हम उन सबको बता देंगे कि आपको बच्चे को टच नहीं करना, क्योंकि हर कोई बंदा बाहर बाहर से आ रहा है, कुछ भी पता नहीं कि किस बंदे का हाथ कहाँ से लगा है। सो टेक केयर। जैसे कि हम लोग हमारे घर में एक बंदे का वेलकम कर रहे हैं। बद्री, हमारे घर में किसका वेलकम कर रहे हैं? भाई का वेलकम। हम लोग आदि के भाई का वेलकम कर रहे हैं। यहाँ पे एक बात तो भूल गए, अगर आपके फैमिली मेंबर्स आउट ऑफ कंट्री रहते हैं तो उनको मुबारकबाद दे दें तो अच्छा हो जाएगा। जैसे कि आदि हमारे नाराज लगे पड़े, पता नहीं क्यों। आदि, आदि आपको खुशी नहीं है? आपको खुशी नहीं हो रही? आपको खुशी नहीं हो रही? जैसे कि जनाब हमारा बच्चा जो अभी भी पैदा होता है वो डायरेक्ट बड़ा हो चुका है। हमारा ये देखें बद्री, ये चीज चेयर उस बच्चे की, और इसमें बद्री चढ़ के बैठा। ये हमारा तुलेश कुमार। बद्री हाय कर दो, बद्री हाय कर दो और बोलो सब्सक्राइब कर दो। घंटी बजा दो, घंटी बजा दो। तुलेश आप भी बोलो सब्सक्राइब
और घंटी बजा दो। घंटी बजा दो फिर चैनल को सब्सक्राइब। ये चलो चलो ओके चलो चलो क्या बनने। तो डियर बॉयज एंड गर्ल्स, उम्मीद है कि ये आपको व्लॉग बहुत बहुत अच्छा लगा। छोटा सा व्लॉग था मगर अच्छा था, मुझे दिल से अच्छा लगा। मतलब ऐसा इसमें खास भी कुछ नहीं था मगर एक खुशी थी तो सोचा आपसे शेयर कर ली जाए। उम्मीद है कि आपसे जल्दी मुलाकात होती है। इन दी एंड में आपका भाई हमेशा यही कहता है कि खुद खुश रहें और खुशियां बांटते रहें। टाटा। तो हमारे घर में एक बंदे का वेलकम कर रहे हैं। बच्चे किसका वेलकम कर रहे हैं हमारे घर में? अरे